ओम शांति। आज मीठे बाप दादा के 12 तारीख के वाणी का अनुभव करते हैं। प्यारे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, मन बुद्धि से अपने को बाबा के सम्मुख अनुभव करते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भगवान बाप आए हैं, भगवान बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने। बाबा कहते, जिससे कि तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो, तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है, अपने को इस स्थिति में, अनुभव में स्थित करना मुझे मेरे बाबा ने इस दुनिया में रहते, इस दुनिया में रहते हुए इससे न्यारा रहने की कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहने की कला सिखाई है। इस अनुभव में स्वयं को स्थित करते, कर्म करते, कार्य व्यवहार में आते भी मैं आत्मा मन बुद्धि से प्यारे शिव बाबा के पास रहते हुए न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित रहती हूँ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी आप संगम पर भगवान बाप के मददगार बनते। बाबा कहते हैं, तो बाप के मददगार बनते तो रिटर्न में आधा कल्प के लिए बाबा आपको ऐसा बना देते हैं कि आपको कोई की मदद की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते हैं कि बाबा कितना बड़ा बेहद का बाप है, फिर भी बाप कहते, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा कहते, मीठे मीठे नंबर वार रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते। बाबा कहते, बाबा तुमको समझाकर कितना समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं, अभी देखो तुमको कितना बड़ा इम्तिहान पास करना है, ज़रा सोचो। बाबा कहते, ज़रा सोचो तो सही, तुमको, तुम आत्माओं को पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहते, ये भी निश्चय है ना कि हम कल्प कल्प हर 5000
वर्ष बाद बेहद के बाप टीचर सतगुरु से फिर मिलते हैं और मिलते रहते हैं। बाबा कहता, सिर्फ तुम बच्चे जानते हो हम कितना ऊंचे थे। ऊंच बाबा के द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। बाबा कहते, बाप भी वर्षा देते हैं, टीचर भी वर्षा देते हैं ना पढ़ा के। बाबा कहता, बाप तुमको पढ़ा के तुम्हारे लिए, बाबा हम बच्चों के लिए दुनिया ही बदल देते। बाबा कहते, नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में बेहद के बाबा की कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम संगम पर उनके द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। बाबा कहते, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया अभी बदल रही है। तुम कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। इस सम्मान में स्थित होंगे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम शिव बाबा से पढ़ते हैं, हम बाबा के मददगार बच्चे हैं। बाबा कहता, बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। तो बाबा कहते, त्रिमूर्ति चित्र में दिखाते हैं ना कि ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो बाबा कहते, ज़रूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए। तो हम कौन? हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा कहता है कि ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते हैं ना, क्योंकि रचता है ही एक बाप, वही बेहद का। बाबा कहते हैं, मैं आकर, शिव बाबा आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश करा नई दुनिया बनाते। बाबा कहता कि नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं ना। बाबा कहते, ये भी तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहते, तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, बाप द्वारा तैरना भी सीखते हो। बाबा कहते, अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, जो एकदम ऊपर चले जाते हो। फिर नई दुनिया सतयुग में आते हो। बाबा कहते, तुम आत्मा अभी कितना माइल्स ऊपर में जाती हो, जिसको तो गिनती कर ना सके, एकदम अपने घर चली जाएंगी। बाबा कहते, तुमको खुशी है ना, वो हमारा घर है, शांति धाम, वहाँ की हम
रहने वाले हैं। बाबा कहते, कोई कहते हैं ना, हम ज्योति ज्योत में समाए, तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम का किसको पता नहीं है ना, कि परम ज्योति बाबा आया हुआ है आत्मा ज्योति को घर ले जाने। मीठा मीठा बेहद का बाप आया हुआ है हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं ज्योति ज्योति में समा ना सके, ना मोक्ष पा सकते। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। बाबा को तुम अच्छी रीति जानते हो। बाप के द्वारा सृष्टि चक्र को भी जानते हो। अभी बाबा कहते तुम आस्तिक बने हो। बाबा कहता है ये ज्ञान मुक्ति जीवन मुक्ति का देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई जानते नहीं है। बेहद का बाप है सच्चा सच्चा सतगुरु शिव बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहता है बाप की प्रॉपर्टी के तुम बच्चे मालिक है ना, तो कितना बड़ा बाप है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते हैं यहाँ संगम पर बेहद का बाबा बच्चों की मदद लेते हैं। कहते हैं बच्चे अभी पवित्र बनो, माया जीत बनो। बाबा कहते हैं ईश्वर तो एक है ना, तो तुम बच्चे अभी एक बाबा के मुरीद बने हो। बाबा कहते तुम हो प्रीत बुद्धि, अपने सम्मान में स्थित होंगे। हम आत्मा अभी टीचर बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम आत्मा श्रेष्ठ भाग्यवान बेहद के बाबा के मददगार बने हैं। हम बाबा की प्रीत बुद्धि आत्माएं हैं। हम अभी आस्तिक बने हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बाबा को प्यार करते हो ना, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। बाबा कहते अब देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, माँ में कम याद करो। अभी बेहद का बाबा तुमको सत्वप्रधान बनाते हैं। माया जीत जगत जीत बनाते। बाबा तुमको वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक श्री बाबा की जयंती वर्थ पाउंड है।
अब तुमको भी ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा कहते सतयुग में घर घर में दीपमाला रहती है, क्योंकि सबकी आत्म ज्योति जग जाती। मेन पावर शिव बाबा से सबकी आत्म ज्योति जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाबा कहते बाबा के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिलधे बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे लाडले आत्म बच्चों, तुम आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। अभी तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझ सकते। बेहद का बाबा शिव कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा कहता है ये बेहद का ड्रामा है। तुम बच्चों ने बाप द्वारा जाना है। बाबा कहते तुम आत्माओं को ही अपने बाबा को याद करना है। बाबा कितना सहज रीति बताते अपने को भी स्थित करेंगे। मैं मस्तक में बैठी आत्मा ज्योति परम ज्योति परमात्मा से कनेक्ट हो अपने को जागृत करती हूँ। मैं आत्मा ज्योति अपने आसपास के देहधारियों के भी आत्म ज्योति बाबा की याद की शक्ति द्वारा जागृत करती हूँ। मैं बेहद के बाबा की श्रीमत पर चल अभी सत्व प्रधान बनती। बाबा के द्वारा ड्रामा के रहस्य को जान निश्चिंत स्थिति का अनुभव करते। अनुभव करेंगे ज्ञान के इस लेख में मैं आत्मा ज्योति डुबकी लगाने से परी बन जाती हूँ। ज्ञान के सागर की लहरों में डुबकी मारने से हम परी बन जाते हैं। बाबा की याद से मैं आत्मा अमूल्य रतन उड़ने वाली आत्मा बन जाती हूँ। मैं कितनी छोटी ज्योतिर्बिंदु आत्मा ज्ञान सागर में डुबकी लगा रही हूँ। शुद्ध वैल्यूएबल बेदाग हीरा बन रही हूँ। एकदम लाइट
उड़ने वाली आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त, बाबा के ज्ञान के तालाब में डुबकी लगाते हुए अपने को अनुभव करेंगे। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे भक्ति में भावना के अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। अभी भगवान बाप तो है, बिंदु कहते भी हैं छोटा सा स्टार है। मन बुद्धि बाबा के बिंदु रूप में एकाग्र करेंगे। बाबा कहते इन स्थूल नेत्रों से बाप को देख नहीं सकते। ये देह तो कितना बड़ा है जिससे आत्मा कर्म करती है, परंतु आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा में 84 चक्र का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा बिंदु में कैसे पाठ भरा है, बड़ा वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती, ये बेहद का नाटक है। स्वयं को आत्मा देह से न्यारी बिंदु स्वरूप में स्थित करेंगे। बेहद के इस नाटक को साक्षी भाव से देखेंगे। अभी बेहद का बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते रहते, कैसे किसको समझाएं, कैसे एक एक की आत्म ज्योति जागृत करें। बाबा कहते आत्मा पवित्र बनती है ना, तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, तुम जानती हो हमको पारसनाथ भगवान बाप मिले हैं। फूल बनने की युक्ति बताते, गायन है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह बहिष्यत नई दुनिया सतयुग। खुदा का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह बहिष्यत दिखाने वाला तो खुद खुदा बाप है ना। बाबा कहता तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते, खुद खुदा तुमको वैकुंठ लेकर जाते। खुद तो वहाँ बाप रहते नहीं है, खुदा तो जाकर शांति धाम में रहते। तुमको बाप वैकुंठ का मालिक बनाते, तो कितना अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो बेहद के बाबा के द्वारा, तो तुमको खुशी होती है ना। बाबा कहता है अंदर में तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम जाते हैं सुख धाम में, अनुभव करेंगे अपने को बहिष्यत के अंदर। मैं आत्मा देवता स्वरूप में सुख धाम में, यहाँ सबकी आत्म ज्योति जगी हुई है। ये गार्डन ऑफ अल्लाह है, स्वर्ग है।
यहाँ मैं आत्मा सर्व गुणों में संपन्न रूहे गुलाब हूँ, देह अभिमानी स्थिति में स्थित हूँ। अनुभव करो, महसूस करो, विजुलाइज करो खुदा का बगीचा बहिष्यत, खुदा के बगीचे का मैं रूहे गुलाब हूँ। बाबा कहते हैं शांति धाम घर को और सुख धाम को याद करो। बाबा को याद करते रहते थे ना कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते अब संगम पर तुम पतित पावन बेहद के पाप से पड़ रही हो। बाबा कहते हैं बाप तुम्हारा ऑबिडियंट सर्वेंट टीचर भी है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार करते हो श्रीमत पर। बाप फिर से तुमको पूज्य बनाते तो बनना चाहिए। बाबा कहते गरीबों को राजाई मिलनी है। बाप गरीब निवास है ना, सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। बेहद के बाबा से वर्षा मिल रहा है, कलप पहले मुहाफिक। बाबा कहते बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। बाबा की वाणी को अभी अभ्यास करेंगे। बेहद का बाबा, पतित पावन बाबा, मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं, मुझे पावन बनाने के लिए आए हैं। गरीब निवास बाबा, हमको सत्युगी राजाई देने आए हैं। देह सहित जो भी कुछ है सब कुछ बाबा का है। मुझ आत्मा का संसार मेरा बाबा है। मैं आत्मा बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, बाबा का मददगार बच्चा हूँ। सदा श्रीमत पर चलने वाली मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा की याद से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाली मैं बाबा की ऑबिडियंट स्टूडेंट हूँ। सपूत लायक स्टूडेंट हूँ। अभी बाबा के आज के वरदान को, सम्मान को अनुभव करेंगे। आज प्यारे बाबा हमको वरदान देते
बाबा के सम्मुख अपने को अनुभव करेंगे और बाबा हमको वरदान दे रहे हैं त्रि स्मृति स्वरूप, त्रि स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव स्वयं को स्थित करेंगे, अनुभव करेंगे अपनी विजयी स्वरूप को, इमर्श करेंगे। मस्तक में बैठी मैं अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत आत्मा, संपूर्ण विजयी रतन हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण विजयी रतन हूँ। बाबा की स्मृति में सदैव स्थित रहने वाली ट्रामा के ज्ञान को यूज करने वाली मैं आत्मा संपूर्ण विजय रतन हूँ। बाबा से योग युक्त हूँ। अपने संपूर्ण विजय की स्थिति में स्थित हूँ। बाबा द्वारा होने वाली प्राप्तियों को अनुभव करती सर्व कमजोरियों से मुक्त मैं शक्तिशाली आत्मा बाबा की याद की छत्र छाया में ट्रामा के ज्ञान की स्मृति द्वारा सदैव हर परिस्थिति में स्वयं को विजयी अनुभव करने वाली संपूर्ण विजयी रतन हूँ। बाबा के इस वरदान को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करने वाली मैं बाबा की ऑबिटेंट स्टूडेंट, बाबा का प्रीत बुद्धि बच्चा, ईश्वरीय कार्य में मददगार आत्मा, बाबा के वरदानों के लिफ्ट में पलने वाली सहज तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव करती हूँ। बाबा की याद में सदैव नेचुरल रीति स्थित रहती है। आत्मस्मृति में सम्मान में स्थित रहने वाली ड्रामा में अपना पार्ट बजाते
न्यारी प्यारी रहने वाली संपूर्ण विजयी रतन आत्मा हूँ। बेहद का बाबा खुदा दोस्त। साथ का अनुभव करने वाली खुदा के बगीचे का फूल बनने वाली मैं आत्मा संपूर्ण विजयी रतन हूँ। मैं बाबा का प्रीत बुद्धि आस्तिक बच्चा हूँ। बाबा का पहलवान बच्चा हूँ। सुख धाम शांति धाम की याद में रहने वाली सर्व प्राप्तियों को सदैव अनुभव करने वाली संपूर्ण विजयी रतन आत्मा हूँ। आत्म ज्योति को सदैव जागृत अनुभव करने वाली संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की आत्म ज्योति जगाने वाली मैं आत्मा बाबा का संपूर्ण विजयी रतन आत्मा हूँ। मीठे बाबा की इस त्रिस्मृति स्वरूप तिलक को धारण करने वाली बाबा की त्रिस्मृति स्वरूप तिलक की स्मृति में सदैव स्थित रहने वाली संपूर्ण विजयी रतन